देखते रहिए UBN0@Tarana से अर्पित बुराना की रिपोर्ट। स्वर्गीय भूरे लाल फिरोजिया सामाजिक शोध संस्थान बजरंग अखाड़ा तराना के तत्वावधान में संरक्षक अनिल फिरोजिया विधायक के मार्गदर्शन में 3 जून रविवार को संध्या 6 बजे से फिरोजिया कांटा दंगल का आयोजन स्टेडियम थाने के पीछे तराना में किया गया, जिसमें दिल्ली झांसी राजस्थान देवास उज्जैन भीलवाड़ा देवपाल महितपुर सहित कई नगरों के पहलवानों एवं महिला पहलवानों की विशेष कुश्ती का प्रदर्शन होने वाले दंगल में किया गया। तारा नगर के समस्त खेल प्रेमी बंधुओं, आज आपके नगर तराना में इस नवनिर्मित स्टेडियम के अंदर मेरे पिताजी थे और विधायक थे, उनके स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि ग्रामीण में जो हम पहलवान हैं उनको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे कस्बों में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई है, उनको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री छोटे छोटे कस्बों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे के और उनको प्रतिभा को निखार रहे हैं, ताकि आगे वो हमारे देश का नाम रोशन करें। उसी तारतम्य में ये भी आयोजन है, तो हमारे यहाँ के पहलवान हैं, इनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस आज हमारे सभी नेतागण हमारे साथ हैं और ये कार्यक्रम उसी तारतम्य में। देखते रहिए UBN0@। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही किसान कलश यात्रा आगामी 3 जून 2018 को तराना में प्रवेश किया। सभा स्थल जवाहर चौक तराना पर पहुंची, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर द्वारा किसान सभा को संबोधित किया। किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में एवं किसानों को अपना हमदर्द बताया। इस मौके पर समस्त कांग्रेस के आनुषंगिक संगठन तथा समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता गण एवं नेता उपस्थित रहे। आप सबका सहयोग रहा और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जैसे ठानी हम मध्य प्रदेश में लगे भोजन पानी की व्यवस्था नहीं, किसान भूखा प्यासा वहाँ अपने प्राण त्याग रहा है, उसके बाद भी कोई सुन लेने वाला नहीं है। अगर किसान भाई अपनी बात को रखना चाहते तो शिवराज सिंह चौहान जी ने गाँव गाँव पुलिस पहुँचा दी है, गाँव गाँव बॉन्ड भरवा रही है कि आप कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, आप कोई मांग तो ये कहीं जाएंगे नहीं। जिस तरीके से जैसे कि अंग्रेज लोग इस देश में हमारे किसान भाइयों का गरीब मजदूर नौजवान का शोषण करते थे, दबाने का काम करते थे, गोलियां मारते थे, झंडे मारते थे, हमारे हिंदुस्तान के लोगों का अपना अपमान करते थे, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे किसान मजदूर नौजवान का अपमान कर रही है, गोलियां मार रही है, झंडे मार रही है, नंगा करके थानों में मार रही है, अपमानित कर रही है। इसी अपमान की लड़ाई किसान भाइयों के कैसे सम्मान वापस आए, इसकी लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी दीपक बाबूजा जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। किसानों को कैसे कर्जे माफ़ हों, कैसे फसल बीमा मिले, बोनस मिले, कैसे अधिक दाम मिले, तुलाई समय पर वो नगद भुगतान हो, बिजली के बिल जो चौगुने चौगुने देकर